Like the video, subscribe the channel and on the notification icon. वेलकम बैक गाइज, मैं संदीप कुमार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कलंक मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर आज जारी हो चुका है। दोस्तों इस ट्रेलर पर रिएक्शन देने वाले हैं, उससे पहले आपको बता दें कि दोस्तों रोमांस के दीवानों के लिए ये ट्रेलर काफी जबरदस्त है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वरुण धवन और आदित्य रॉय की जो रोमांस स्टोरी इस ट्रेलर के अंदर आपको देखने को मिलती है, उससे उनके फैंस काफी प्रसोहित है, काफी मोहित है, काफी जबरदस्त एक्शन से भरपूर ये ट्रेलर काफी जो है बॉक्स ऑफिस में कमाल मचाने वाला है, क्योंकि इसके अंदर संजय देओल की परफॉर्मेंस और बट और सोनाक्षी का जो लव आपको देखने को मिलता है काफी जबरदस्त है। चलिए इसके ट्रेलर पे हम रिएक्शन देते हैं, ट्रेलर देखते हैं कैसा है, उसके बाद हम इसके हर स्टेप पे, हर कोरियोग्राफी पे, हर पॉइंट पे इसका रिव्यू करते हैं कि ये मूवी आने वाले टाइम के अंदर कितना धमाल मचा पाती है। चलिए हम पहले रिएक्शन देते हैं। वाओ, मेरे गुस्से में लिए गए एक फैसले ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। ये काम अपनी हयात में ना कर पाए तो मरने के बाद भी पछताऊंगी। इस रिश्ते में इज्जत होगी। What a performance! मैं शादीशुदा। तो मुझे कौन सा निकाह पढ़ना था आपसे? मत है मेरी दुनिया में कदम रखने की। मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं। मत करिए कोशिश मेरी जिंदगी सुधारने की, कहीं और ना बिगड़ जाए। रूप और देव की शादी से दूर रहो सफर, वरना अंजाम बुरा होगा। जिस आग को आपने फूंक दी थी ना, उसी आग से ये शहर जला दूंगा। रूप की मोहब्बत मेरा हक है और ये हक मैं लेके रहूंगा। कलंक नहीं इश्क है काजल किया। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कलंक मूवी 17 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है, और इस मूवी का जबरदस्त ये सॉन्ग कि ये जिंदगी है या कलंक इश्क मेरा काफी जबरदस्त है। जैसे कि दोस्तों ये पूरी तरह से जो वरुण धवन और आदित्य रॉय की लव स्टोरी इसके अंदर आपको देखने की मिलती है आलिया भट्ट और सोनाक्षी सिन्हा के साथ में, जो काफी जबरदस्त है। और संजय दत्त ने और साथ में माधुरी दीक्षित ने भी अपने जलवे जो इस मूवी के अंदर दिखाए हैं काफी जबरदस्त है और काफी देखने लायक है। उनके फैंस इनके जलवे से काफी जबरदस्त है, और जो बॉडी स्टाइल आपको वरुण धवन का देखने को मिलता है पहली बार इस मूवी के अंदर, किस प्रकार से वो फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपनी बॉडी का जो प्रिपरेशन किया है काफी जबरदस्त है दोस्तों, अन्य मूवियों से काफी जबरदस्त है। मेरा इतना एक्साइटमेंट इस मूवी के प्रति जो है वो किसी अन्य मूवी के प्रति आपको देखने को नहीं मिला है। दोस्तों काफी आपने मेरे रिएक्शन की वीडियो देखी होगी, उनसे जबरदस्त रिएक्शन इस मूवी का जो मैं आपको दे रहा हूं कि दोस्तों, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद ओल्ड टाइप की जो स्टोरी से जो क्लाइमेक्स निकल के बाहर आता है, जो अंदर की आवाज बाहर निकल के आती है कि इस मूवी के प्रति जो सीन दिए गए हैं, किस प्रकार से पुराने टाइप के राजमहल और पुराने टाइप की सोच आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है कि जिससे हम प्यार करते हैं वो कुछ धोखे कुछ वादे इस मूवी के अंदर जो निभा नहीं पाते हैं, और किस प्रकार से जो अपने वादों से मुकर जाने के बाद प्यार किसी और से, शादी किसी और से, ऐसी टाइप की लव स्टोरी आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है, जिससे लव के फैन जिस मूवी को पसंद करते हैं काफ़ी ज़बरदस्त है। दोस्तों आपको बता दूं कि दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस में अच्छा कलेक्शन करने वाली है, अच्छी बॉक्स ऑफिस में धमाल करने वाली है। अगर 10 में से रेटिंग की बात की जाए तो 10 में से 10 रेटिंग देता हूँ इस मूवी को, क्योंकि दोस्तों इस मूवी के अंदर इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, इतने बड़े बड़े मुख्य हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त है। आप लोग क्या सोचते हैं हमारे सुपरस्टार के बारे में, आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं संदीप कुमार आपसे गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को
लाइक के साथ शेयर भी कीजिएगा अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो। नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको मूवी की रिएक्शन से रिलेटेड, रिव्यू से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी रिएक्शन रिव्यू के साथ में। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा।